नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका द न्यूज टॉक पर, जहां पर आप जानने वाले हैं देश और विदेश की 50 से भी ज्यादा बड़ी और काम की खबरें। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपसे एक छोटी सी विनती करना चाहते हैं कि इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वहीं पर दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपके जनरल नॉलेज में वर्दी के लिए आपसे एक प्रश्न पूछना चाहते हैं। आज आपको कमेंट करके बताना है कि लाल किला कहां पर स्थित है। जी हां, कमेंट करके उस स्थान का नाम जरूर बताइएगा। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की खबरों के कारवा को। देश में कोरोना संक्रमण के 27,254 नए मामले आए सामने। पिछले 24 घंटों के दौरान 219 मरीजों ने गंवाई जान। यूपी के 7 शहरों को जल्द मिलेगी 150 इलेक्ट्रिक बसें। पीएम मोदी हरी झंडी दिखाकर करेंगे रवाना। महामारी के प्रकोप के बाद पहली बार 17 सितंबर को जीएसटी काउंसिल की होगी फिजिकल बैठक, कई मुद्दों पर होगी चर्चा। कालाधन के खिलाफ लड़ाई में बड़ी सफलता, पहली बार भारतीयों की रियल एस्टेट संपत्तियों की भी जानकारी देगा स्विट्जरलैंड। पेगासस मामले में विस्तृत हलफनामा देने से केंद्र का इनकार, विशेषज्ञों के पैनल से जांच कराने को राजी। ओडिशा, छत्तीसगढ़ समेत मध्य पश्चिमी भारत में भारी बारिश का अलर्ट, आईएमडी ने जारी की चेतावनी। मोदी सरकार ने बढ़ाई रबी फसलों की एमएसपी, किसान संगठनों के दुष्प्रचार पर पड़ा कड़ा प्रहार। यूपी में कांग्रेस प्रियंका गांधी के नेतृत्व में लड़ेगी यूपी चुनाव, सीएम के चेहरे पर भी वही लेगी फैसला, सलमान खुर्शीद का बयान। छत्तीसगढ़ में दिव्यांग के लिए फैसला सुनाने कोर्ट से बाहर आए जज साहब, पार्किंग एरिया में की सुनवाई। जीएनसीटीडी कानून में संशोधन के खिलाफ दिल्ली सरकार की याचिका पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट राजी, एलजी को ज्यादा सख्तियां देने का आरोप। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ऑस्कर फर्नांडिस का 80 साल की उम्र में निधन, मंगलुरु में ली आखिरी सांस। तुम हिंदू, सिख, ईसाई, न मुसलमान के हो न देश के हो, राहुल गांधी का यूपी चुनाव से पहले बीजेपी पर तंज। उत्तर प्रदेश के आगरा में किशोर को जंगल में जिंदा हेड ग्रेनेड मिलने से मचा हड़कंप, पुलिस ने इलाके को किया सील। आर्थिक तरीके के साथ पर्यावरण पर कैसे रखे ख्याल, भारत ने दुनिया को सिखाया, बोले अमेरिका के विशेष राजदूत जॉन केरी। एक्सपोर्ट इंपोर्ट ट्रेड बढ़ाने के लिए पारादीप पोर्ट ट्रस्ट ने उठाया बड़ा कदम, समय के साथ पैसों की होगी बचत। सोरेन सरकार ने किया ऐलान, रांची में स्कूलों के आसपास 100 मीटर दायरे में तंबाकू की बिक्री पर लगी रोक। पूरी तरह से ठीक और सही सलामत हूं, मौत की खबरें अफवाह, वायरल ऑडियो क्लिप में बोला तालिबानी नेता मुल्ला ब्रादर। उत्तर प्रदेश में पीएम मोदी के कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे सीएम योगी, 1 लाख से ज्यादा लोगों के आने की उम्मीद। गुजरात के 17वें मुख्यमंत्री बने भूपेंद्र पटेल, पीएम मोदी ने दी बधाई, गृह मंत्री अमित शाह समेत बीजेपी के दिग्गज नेता रहे शपथ ग्रहण में मौजूद। तालिबान के कब्जे के बाद पहली विदेशी फ्लाइट पहुंची काबुल, पाकिस्तानी एयरलाइंस का विमान हुआ एयरपोर्ट पर लैंड। बिहार में मौत का मुआवजा दिलाने के बदले 1 लाख की घूस मांग रहे कर्मचारी पर भड़के सीएम नीतीश कुमार, एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई करने का दिया आदेश। दिल्ली के सब्जी मंडी इलाके में 4 मंजिला इमारत ढही, मलबे में 2 बच्चों समेत 3 लोगों को निकाला गया, सीएम ने जताया दुख। विराट कोहली की कप्तानी छोड़ने की रिपोर्ट को बीसीसीआई ने झुठलाया, कहा सभी फॉर्मेट में उन्हीं की होगी कमान। ओडिशा में भारी बारिश से खोप में जिंदगियां, 13 जिलों में बाढ़ का अलर्ट किया गया जारी। मध्य प्रदेश के भोपाल की शिवांगी ने रचा इतिहास, जी मेट में देश की पहली और वर्ल्ड लेवल पर 2री रैंक की हासिल। छत्तीसगढ़ में रातों रात बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, सरकार ने 21 आईएएस अफसरों को किया ट्रांसफर। संगीत का दुश्मन तालिबान, मौत के डर से देश छोड़कर भाग रहे संगीतकार, लाखों रुपयों का हो रहा है नुकसान। चीन में फिर कोरोना का कहर, पुतियाना शहर को किया गया सील, लोगों की यात्रा करने पर लगी पाबंदी। तालिबान का बुर्का पहनने का ऑर्डर, अब फैसले के खिलाफ महिलाओं का अनूठा प्रदर्शन, पारंपरिक ड्रेस पहनकर साझा की तस्वीरें।
2022 की पहली तिमाही में जेट एयरवेज शुरू करेगी फ्लाइट्स, दूसरी तिमाही में होगी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की शुरुआत। अनिल देशमुख के खिलाफ ईडी की कार्रवाई तेज, महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री को खोजने के लिए सीबीआई ने मांगी मदद। बेलारूस, रूस का सैन्य अभ्यास, आधुनिक हथियारों को देख पड़ोसी मुल्कों में हलचल, पुतिन बोले रक्षात्मक है मिलिट्री ड्रिल। सीएम स्टालिन ने तमिलनाडु विधानसभा में नीट से स्थायी छूट की मांग वाला बिल किया पेश, विपक्ष ने सदन से किया वॉकआउट। कोविड-19 के कारण केरल से गोवा आने वालों के लिए 5 दिन का आइसोलेशन जरूरी, राज्य में 20 सितंबर तक बढ़ाया गया कर्फ्यू। बैंक ऑफ इंडिया ने सरकारी कर्मचारियों के लिए पेश किया खास सैलरी अकाउंट, फ्री में मिलेगा 1 करोड़ तक बेनिफिट। राजस्थान में नीट की परीक्षा में फ्रॉड करने वाले गिरोह का हुआ पर्दाफाश, 10 आरोपी गिरफ्तार, फर्जी लोगों से दिलवाते थे एग्जाम। महाराष्ट्र के मुंबई में आज भी होगी बारिश, कोंकण समेत पश्चिमी महाराष्ट्र के लिए ऑरेंज अलर्ट, कई इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी। हिमाचल में मानसून का कहर जारी, मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट, लगातार हो रही बारिश के बाद भारी लैंडस्लाइड। तालिबान और कतर की बढ़ रही दोस्ती, विदेश मंत्री अब्दुल रहमान अल थानी ने की नए पीएम हसन अखुंद से मुलाकात, कई मुद्दों पर हुई चर्चा। बंगाल इलेक्शन पर राज्य भर में तृणमूल की छत्रछाया में रह रहे हैं अपराधी, बोले बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष। मिजोरम में पिछले 24 घंटों में सबसे ज्यादा 541 कोरोना के नए केस हुए दर्ज, पॉजिटिविटी रेट 31.0%। लेह के अलची में महसूस किए गए भूकंप के झटके, रिएक्टर स्केल पर 4.6 मापी गई तीव्रता। रामविलास पासवान की बरसी पर नहीं आए नीतीश, चिराग बोले कुछ लम्हे राजनीति से ऊपर होते हैं, सीएम आते तो अच्छा लगता। हिमाचल प्रदेश में हाईकोर्ट द्वारा गठित जिला निगरानी समितियों पर रोक, कोविड को लेकर राज्य सरकार ने किया वादा। जंग की कगार पर खड़े इजराइल और हमास, इजरायली सेना ने कहा गाजा से देश पर दागे गए रॉकेट। कोविड-19 के कारण तेलंगाना में एक दिन में 3 लाख लोगों का होगा वैक्सीनेशन, सीएम के चंद्रशेखर राव शुरू करेंगे खास अभियान। 16 सितंबर को SCO शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इन अहम मुद्दों पर हो सकती है बात। साइबर इंश्योरेंस को लेकर IRDAI ने जारी किया नया नियम, अब ऑनलाइन ट्रांजैक्शन से लेकर फंड ट्रांसफर तक सब कुछ होगा इंश्योर्ड। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जिन्ना पर फिर छिड़ा बवाल, बीजेपी कार्यकर्ता ने शौचालय में लगाई जिन्ना की तस्वीर। असम सरकार ने की समंदर में चल रहे यात्री जहाजों के लिए नए नियमों की घोषणा, सिंगल इंजन वाली नावों पर होगा बैन। गुजरात के सीएम चुने जाने पर भूपेंद्र पटेल पर हार्दिक पटेल ने साधा निशाना, कहा बीजेपी ने अपना आखिरी मुख्यमंत्री चुना है। बंगाल उपचुनाव में भाजपा उम्मीदवार प्रियंका टिबरेवाल ने भवानीपुर सीट के लिए किया नामांकन, दीदी से है मुकाबला। तीसरी लहर से पहले नई चुनौती, महामारी के बीच निफा, डेंगू और मलेरिया ने बढ़ाया स्वास्थ्य सेवाओं पर भार। केरल में निफा की वजह से जान गंवाने वाले बच्चे के संपर्क में आए लोगों की रिपोर्ट आई नेगेटिव, सोर्स की पहचान अब भी बाकी। चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, ऐसी ही खबरें देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर